जब हम काम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले कैरेक्टर के अंदर हमें जो अनवांटेड एक्स्ट्रा चीज़ें वो ऐड करनी है. फॉर एग्जांपल इफ़ आई टेक दिस कैरेक्टर और इसमें मुझे पास जो ये चीज़ें हैं आई वांट टू हाइड दिस, तो मैंने इसका मेन कंट्रोल सेलेक्ट किया. ये चीज़ों से मकसद है कि ये जो एक्स्ट्रा कंट्रोल्स हैं मुझे नहीं चाहिए. तो इन दिस केस इसके अंदर सारी कंपोजिशन ऐसे की हुई है कि देयर वुड बी सम सेकेंडरी विजिबिलिटी जोन. ठीक है, अब ज़रूरी नहीं कि हर किसी का सेटअप सेम ही हो, आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि किसमें क्या चीज़ें हो सकता है उसमें कोई एक्स्ट्रा कंट्रोल ना भी हो. इन दिस केस ये मॉडल क्योंकि हम बार बार भी यूज़ कर रहे हैं तो इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा कंट्रोल्स हैं और ये हमें फिलहाल यूज़ नहीं करने जो सेंटर वाले सर्कल्स हैं. तो मेन कंट्रोल सेलेक्ट किया, सेकेंडरी विजिबिलिटी के अंदर आए और इसको आपने ज़ीरो कर दिया. उससे क्या होंगे कि जो एक्स्ट्रा अननोन अनवांटेड कैरेक्टर्स हैं या कंट्रोल्स हैं सॉरी वो गायब हो जाएंगे. तो यू कैन ऑलरेडी सी के थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया. उसके बाद रिग विजिबिलिटी भी ऑफ रखें, स्केलेटन विजिबिलिटी भी मुझे नहीं चाहिए, स्केलेटन लॉक ठीक है, मैश लॉक ठीक है, स्मूथ 0% है ये भी ठीक है. इसका मतलब ये कि सब चीज़ें लॉक हैं. मैश ज्योमेट्री ये भी लॉक है, इसको आप सेलेक्ट नहीं कर सकते. अगर आपको मैश को सेलेक्ट करके मॉडिफाई करना है तो यहाँ से मैश सेलेक्शन को आपको ऑन करना पड़ेगा. दूसरा फिर जो चीज़ हमें इसमें करनी पड़ेगी एडिट वो ये है दैट यू नीड टू कम इन टू आई के एंड एफ के फॉर आर्म्स. आर्म के आई के एफ को सेलेक्ट किया और बाई डिफॉल्ट ये एफ के मोड के अंदर है. एफ के का मतलब ये कि इफ़ आई सेलेक्ट द कंपोनेंट तो मुझे रोटेट में जाके इसके जो सेगमेंट्स हैं उसको रोटेट करूँगा तो आर्म मूव होगी. इसी तरह से मैंने शोल्डर को सेलेक्ट किया तो रोटेट किया तो शोल्डर से फिर उसको मैं एडजस्ट कर पाऊंगी. सम टाइम्स मुझे एफ के मोड में एनिमेशन करनी होती है तो दिस इज ये कंट्रोल बहुत अच्छा है. मीन्स कि मैं पेरेंट को रोटेट करूँ उससे कॉरस्पॉन्डिंगली उसका चाइल्ड रोटेट होगा. पर इसमें मुझे हमें एक्चुअली क्या करना पड़ता है कि 2 से 3 कंट्रोल्स को एडजस्ट करना पड़ता है. कभी कभी इससे एनिमेशन ज़्यादा आसान लगती है कुछ लोगों को, डिपेंडिंग ऑन हाउ यू वांट टू डू दैट. कुछ लोगों को इससे मुश्किल लगती है, मुझे मुश्किल लगती है या इन अदर्स मैं नॉर्मली इसको ज़रा प्रेफर नहीं करता. मेरे लिए जो है आपको एक माइंड सेट बढ़ जाता है कहीं पर तो बस वही चीज़ काम करना आसान होता है. तो वट आई डू इज़ कि आई कम इन टू दिस और इनको 0-0 कर दिया वापस ताकि डिफॉल्ट पे जाए. आई थिंक ये भी ऑलरेडी 0 है. फिर मैंने एफ के को सेलेक्ट किया, इस पर एक सिंपल एक सिंगल प्रॉपर्टी दी हुई आई के एफ के की, इसको मैंने 1 कर दिया. जो ही 1 किया तो सीरीज के सर्किल्स गायब हो गए और अब एक हैंड का कंट्रोल आ गया. ये आई के मोड हुआ कि आपने चाइल्ड को पकड़ा और एडजस्ट किया. चाइल्ड मीन्स आपने रेस्ट को पकड़ा, जहां पर रेस्ट जाएगी आपका हाथ बेसिकली ऑटोमेटिकली एडजस्ट होकर वहां पर जाएगा. तो ये चीज़ हमें मुझे एटलीस्ट आसान लगती है और यूजली आई रिकमेंड मैं इस तरह से बेसिक एनिमेशन में फिर मेरे लिए चीज़ करना आसान रहती है, मैं रिकमेंड भी यही करता हूँ. और फिर इसको वापस रीसेट करना है, यहाँ पर आके सारी वैल्यूज 0 की हो गया. इसी तरह से हैंड 2 सेलेक्ट किया, इसके भी आईफी के अंदर आया, 1 कर दिया ताकि ये चीज़ सेटअप सेलेक्ट हो जाए. फिलहाल अगर मैं फेस एनिमेशन नहीं कर रहा तो आई कैन आई थिंक मैं इसमें फेस के भी विजिबिलिटीज को ऑफ कर सकता हूँ. स्केलेटन ऑन इस शायद इसने नहीं दिया हुआ. लेट मी सी दिस कि मैं फेस के कंट्रोल्स को हाइड कर सकते हैं. आई गेस नहीं, फिलहाल इसमें सच का कंट्रोल मुझे नहीं मिल रहा जिसमें मैं फेस को ऑफ कर सकूँ. कस्टमाइजेशन ऑफ ब्राउज 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 रिग बजेवे स्कैन नो ठीक है. तो आई गेस इसमें फिलहाल फेस के विजिबल रहेंगे. अक्सर ऐसा होता है कि आप फेस के कंट्रोल्स को भी हाइड कर देते हो. बहरहाल ये 2 चीज़ें रहीं. जहाँ तक रहा पाँव का सवाल तो जो लेग के मोशन है उसको भी हम आई के अंदर ही रखते हैं और जो बाई डिफॉल्ट आई के अंदर ही होता है. मीन्स अगेन आप पाँव को सेलेक्ट करके मूव कर रहे हो तो उसके जो अपर बोन्स हैं वो ऑटोमेटली पेरेंट बोन्स एडजस्ट हो रही है. ठीक है, तो ये हमारे पास एक कैरेक्टर सेटअप आ गया जो सबसे पहले आपको करना पड़ेगा. दूसरा स्टेप ये होता है कि डू फेमिलराइज विथ योर सेल्फ विथ एक्स्ट्रा कंट्रोल्स के बॉडी के कौन से कंट्रोल्स क्या कर रहे हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं और क्या चीज़ें हो रही हैं और किस तरह से आपको उसको जब आप मूव करोगे तो आप बेंडिंग वगैरह ऑब्जेक्ट की कंट्रोल दे सकते हैं. ठीक है, होपफुली ये चीज़ थोड़ा समझ में आ गई. पहला काम ये करना है.